7.83 इंटू 7.83 माइनस 1.17 इंटू 1.17 अपॉन 6.66। ओके तो सॉरी, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। माइनस 1.17 इंटू 1.17 और सॉरी स्क्वायर नहीं है अपॉन 6.66। ओके तो ये तो अगेन हम इसे आइडेंटिटी के टर्म में चेक करते हैं कि होता है कि नहीं। ओके पहले तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए, बट क्योंकि आप एक बिगनर हो मीन्स आपको ये चीज़ है कि नहीं है नहीं पता, तो मैं एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं है कि आप लोग के ग्रुप में कोई ज़ीरो लेवल वाला है कि नहीं है, बट उसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल पूछो, मैं आपको मल्टीप्लाई भी बता दूँगी, ठीक है। बट क्या होगा ना कि मल्टीप्लाई बताएंगे फिर मैक्सिमम बच्चों को मल्टीप्लाई आता हो तो वो बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि बहुत सारे ये एप्लीकेबल हैं इसे मैं, ठीक है। बाकी बातचीत अभी बंद करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7.83 को मैंने ए माना है एंड 1.17 को हमने बी माना है। ओके तो ए इंटू ए लिखा है एंड ये बी इंटू बी है, नीचे का टर्म एज इट इज़ हो गया। ओके तो ये किस टर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 6। अब आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन 6.66, ठीक है। अब इरेज करते हैं। ओके तो 6.6, अब इस टर्म में क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करके रखते हैं। तो ए हमने किसको माना है, 7.83 को, प्लस बी हमने किसको माना है, 1.17 को, फिर ए हमने 7.83 को माना है माइनस 1.17 हमारा बी है अपॉन, ये रो हटाना पड़ेगा, अपॉन 6.66। ओके अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 7.13 मैं आपको यहाँ बोला तो मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ बताऊँगी, ठीक है। 1.17, ओके 3 + 7 इज 10 कैरी 1, 8 + 9 1 एंड 1 0 कैरी 1, फिर 7 + 8 9 8 + 1 9, ओके तो यह जाएगा 9.00। ओके अब 783 में से मैं इस चीज़ को माइनस करती हूँ 1.17 को, तो 3 में से 7 गया तो 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ बचा गया 8 7 बन जाएगा, 7 में से 1 गया 6 एंड अगेन ये 7 हो जाएगा, ये 7 7 ही रहेगा, 7 में से 1 गया 6। ओके तो आ जाएगा 6/6। ओके और नीचे भी आपका 6.666 है डिनोमिनेटर में। अब ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बिल्कुल करेगा, सिर्फ हमारा क्या बचा 9.00। 9.00 को आप 9 भी कह सकते हो। ओके तो हमने और ये वेरीफाई करने के लिए हमने यह किया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 783 को आइडेंटिटी पहले ये किया कि माना कि है कि नहीं आइडेंटिटी के फॉर्म में, जब ए बी उसके टर्म को रखा, ए की जगह 7.83 और बी की जगह 1.17 रखने पे हमारे एक आइडेंटिटी आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने पढ़ा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी के टर्म में होता है। ओके